आज के दिन की शुरुआत बहुत ही बड़ी गुड न्यूज के साथ होने वाली है, क्योंकि भारत ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच लिया है। साल 1991 में एक वो भी समय था जब केवल 700 मिलियन डॉलर्स के लिए भारत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और बैंक ऑफ जापान के पास अपना 66 टन गोल्ड गिरवी रखा था। उस समय भारत की सरकार के पास अपने इम्पोर्ट बिल के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे थे। लेकिन आज भारत उस पोजिशन में आ गया है कि अगर इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और जापान में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो हम उनको भी आज के डेट में लोन दे सकते हैं। इन देशों के पास आज कितने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जिन देशों ने एक समय पर भारत को रेस्क्यू किया था आज वो कौन से पोजीशन के ऊपर है और हम कहां पर हैं। भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। भारत ने फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में 700 बिलियन डॉलर्स के मार्क को क्रॉस करके एक नया इतिहास रच लिया है। ये भारत की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है जब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 700 बिलियन डॉलर्स के मार्क को क्रॉस कर गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 27 सितंबर को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 12.59 बिलियन डॉलर्स की वृद्धि देखने को मिली है, जिसके बाद भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स 704.89 यानी कि ऑलमोस्ट 705 बिलियन डॉलर्स पहुंच गए हैं। सबसे पहले आप ये ग्राफ देखिए, साल 2015 में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 300 बिलियन डॉलर्स के आसपास थे। इससे पहले साल 2021 में हमने 600 बिलियन डॉलर्स के मार्क को टच किया था, लेकिन फिर उसके बाद कोविड-19 आ गया और उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया, जिनके कारण थोड़ा डिप देखने को मिला। मगर साल 2023 के बाद से ही भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ऑन ट्रैक आ गए हैं और ग्राफ पहले की तरह दोबारा से ऊपर ही चढ़ते जा रहा है। अगर कोविड-19 के आसपास ये डिप नहीं आता और पहले की तरह ये ग्राफ लगातार ऊपर जाते रहता तो आज भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 700 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि 850 बिलियन डॉलर से 900 बिलियन डॉलर के आसपास होते। इस समय जो आज की डेट में 704 बिलियन डॉलर्स का फिगर है, इसमें 65.7 बिलियन डॉलर्स के गोल्ड रिजर्व्स भी इंक्लूडेड है, यानी गोल्ड रिजर्व्स को भी इनमें शामिल किया हुआ है। इस जंप के बाद भारत अब एक्सक्लूसिव फोर में शामिल हो गया है, क्योंकि भारत को मिलाकर दुनिया में केवल 4 ही ऐसे देश हैं जिनके फॉरेक्स रिजर्व्स 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन देशों की जिन्होंने साल 1991 में भारत को गोल्ड और कुछ चीजों के अगेंस्ट लोन दिया था। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के पास आज की डेट में टोटल 188 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, 188 बिलियन डॉलर, और वर्ल्ड वाइड ब्रिटेन 19th रैंक के ऊपर है। जापान की बात करें तो जापान के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं 1235 बिलियन डॉलर यानी कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास, और वर्ल्ड वाइड जापान का रैंक है नंबर 2। वहीं पर स्विट्जरलैंड की बात करें तो इस समय स्विट्जरलैंड के पास है 802 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स और वर्ल्ड वाइड स्विट्जरलैंड का रैंक है रैंक 3। भारत की बात करें तो भारत 704 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स के साथ 4th रैंक के ऊपर है, और हमसे नीचे 5th रैंक के ऊपर रशिया है जिसके पास 625 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। बात करें नंबर 1 पोजीशन की यानी सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स वाले देश की तो वो है चाइना। चाइना के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं 3288 बिलियन डॉलर्स के आसपास यानी कि 3.2 ट्रिलियन डॉलर। भारत के साथ तो वैसे कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है, क्योंकि चाइना के फॉरेक्स रिजर्व्स भारत से 4.5 गुना ज्यादा है। बाकी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स वाले टॉप 15 देश कौन से हैं वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। भारत के जो ये फॉरेक्स रिजर्व्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं इसके पीछे कई सारे कारण हैं। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम भी काफी तेजी से बढ़ी है। भारत के एक्सपोर्ट्स में वृद्धि हो रही है और इसके अलावा रेमिटेंसेस भी फॉरेन करेंसी एसेट्स को बूस्ट करने का काम करती हैं।